यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश हैं दाता, सदा सुखी रखे मां। तेल तो हर घर में इस्तेमाल होता है, कोई सरसों का तेल पसंद करता है तो कोई नारियल का। क्या आप जानते हैं कि तेल का आपके द्वारा बरते जाने वाला तेल आपको अच्छा या बुरा दोनों तरह का फल दे सकता है? अगर आप अपने ग्रहों के अनुसार तेल का प्रयोग करते हैं तो आपको अपार लाभ तक हो सकता है, और वहीं अगर तेल आपके ग्रहों के अनुरूप नहीं है तो आपको भयंकर नुकसान तक झेलना पड़ सकता है। आज हम गुरुदेव से जानेंगे किस तेल का आपको प्रयोग करना चाहिए और किस तेल को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। लेकिन गुरुदेव, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे सरसों के तेल के बारे में। सरसों का तेल किस ग्रह से जुड़ा है और किस जातक को इसका प्रयोग करना चाहिए और किसको नहीं? सरसों का तेल ये शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरसों भी दो तरह की होती है, एक काली सरसों एक पीली सरसों। तो ऐसी अवस्था के अंदर सरसों के तेल की तासीर भी दो तरह की हो गई। जैसे कि शनि देव के जो इष्ट माने जाते हैं, एक बटुक भैरव माने जाते हैं और एक काल भैरव माने जाते हैं। तो काल भैरव के लिए काली सरसों वाला जो तेल है वो इस्तेमाल होता है, और जो बटुक भैरव है इनके लिए पीली सरसों वाला तेल ये इस्तेमाल होता है। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था पहले। फिर ये शनि ग्रह से रिलेटेड ये तेल माना जाता है। जितने भी लोग सिर्फ मेहनत का काम करते हैं, जिन्होंने वज़न उठाना है, जिन्होंने धूप के अंदर घूमना है, जिन्होंने किसी के लिए भी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करनी है, इन लोगों को काली सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। जिन्होंने दूसरों के ऑर्डर मानने हैं और दूसरों के ऑर्डर पे ही काम करना है, इन लोगों के लिए सबसे उत्तम काली सरसों का तेल है। और जो लोग भी बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, लोहे का काम करते हैं, उनके अंदर बार बार उनको अपनी शारीरिक क्षमताएं दिखानी पड़ती हैं, इन लोगों को काली सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी मेहनतें होती हैं। इसके अलावा होती है कि जो जूनियर मैनेजर के पद पे होते हैं, जिन्होंने इंस्ट्रक्शन लेनी है और जिन्होंने आगे इंस्ट्रक्शन देनी है, यानी कि जिनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, और लेकिन वो अपने सीनियर मैनेजर से या मालिक से इंस्ट्रक्शन लेकर के तब वो करवाता है, इन लोगों को पीली सरसों का तेल ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि पीली सरसों के तेल के अंदर एक खासियत होती है कि ये मैनेजमेंट भी साथ में सिखाती है और कुछ हृदय को कोमल भी करती है और पॉजिटिव विचार रखती है, तो पीली सरसों का तेल इस काम आता है। काली सरसों का जो तेल है ये शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है, मेहनत की ताकत को बढ़ाता है, और डेडिकेटली एक काम के ऊपर लग करके उसको संपूर्ण करने के जो काम होते हैं, जो ताकत होती है, ये काली सरसों देती है। तो इन दोनों में बहुत अंतर है। तो ये खास तौर पे मेहनत कश लोग या जो बिल्डर के यहाँ एक मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उनको काली सरसों का प्रयोग करना चाहिए, और जो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन देकर के काम करवाते हैं, मटेरियल को पूरा ला करके उनके लिए अवेलेबल करवाते हैं, इस तरह के काम करने वाले जो लोग हैं इनको पीली सरसों का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से अगर आप ये डिफाइन करके पता करके इसका प्रयोग करते हैं तो आपका भाग्य शुभ रहेगा और शनि देव पूर्णतः आपका साथ देंगे। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, नारियल का तेल। नारियल का तेल कहते हैं बहुत उपयोगी होता है, ये किस ग्रह से जुड़ा है और किसे इसका प्रयोग करना चाहिए और किसे नहीं? नारियल तेल इस धरती के ऊपर बेटा किसी वरदान से कम नहीं है। सस्ता होने के कारण हम इसे इग्नोर तो मार देते हैं, लेकिन इससे बड़ी ना तो तन के लिए कोई क्रीम बनी है और ना ही इसके जो गुण है जो कि खाया जाता है, हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता, और जबकि नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर नारियल तेल का प्रयोग किया जाए तो शायद सबके रूप रंग सोच कर्म ही अलग हो जाए।
इतना फर्क होता है। नारियल तेल यानी कि शुक्र का तेल, और इसके अंदर शनि के गुण भी होते हैं और शुक्र के भी होते हैं, और शनि और शुक्र को एस्ट्रोलॉजी में खास तौर पे लाल किताब के अंदर मियां बीबी बोला जाता है। तो जो लोग नारियल तेल का प्रयोग खाने में और लगाने में करते हैं, खाने से क्या क्या लाभ होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर औरतों को जितनी भी बच्चा पैदा करने से संबंधित बीमारियाँ हैं वो दूर होती हैं, मर्द को मर्दानगी से संबंधित जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो दूर होती हैं, और ये शुक्र यानी कि नारियल का तेल ये इंसान के अंदर एक चाहत, एक ऊर्जा ये बना करके रखता है। और ख़ास तौर पे वो इंसान जो बिल्कुल नीरस होते हैं, जो अपने कामों को पूरा करते नहीं, आलस के अंदर डूबे रहते हैं और ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल एक थकी हुई सोच के साथ जो चलते हैं, इन लोगों को तो ख़ास तौर पर नारियल का तेल ही खिलाना चाहिए। कहेंगे नारियल के तेल में बनी हुई वस्तुएं देनी चाहिए, नारियल इनको घिस करके ज़रूर खिलाना चाहिए। कोई भी तरह तरह के पकवान या खाने पीने की चीज़ें बना करके आप इन्हें दे सकते हैं, इससे ये अंदर से भावनाओं से भी सुदृढ़ हो जाते हैं और विचारों से भी हो जाते हैं, और शारीरिक तौर पे तो नारियल का तेल अमृतमय है लगभग सबके लिए, ठीक है। और इसी तरह से जो मर्द गृहस्थी का सुख पूरी तरह से नहीं भोग पाते अपने ही विचारों के कारण, उनके लिए तो ये अमृतमय है, तो इसलिए नारियल का तेल उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। औरतें, जिन औरतों को पेट से संबंधित बीमारियां रहती हैं, खून की कमी रहती है, और जो लोग जो औरतें आलस के अंदर ज़्यादा रहती हैं और बिल्कुल निढाल टाइप रहती है, इनके लिए भी नारियल का तेल अमृतमय है। और ख़ास तौर पर जिन औरतों ने अभी बच्चे लेने हैं, जिन्होंने अभी माँ बनना है, उनके लिए भी ये अमृतमय है, और इनकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, इनको जो कैल्शियम की कमी आती है वो कमी नहीं आने देता, और नाखून, चेहरा, बाल सब सुंदर बनने लगते हैं। तो नारियल का तेल खाना भी चाहिए, लगाना भी चाहिए, मर्द और औरत के लिए ये लगभग बराबर का फ़ायदेमंद है। इसीलिए आपने साउथ के अंदर देखा होगा जहाँ नारियल का प्रयोग ज़्यादा होता है, वहाँ आप 85 साल के बुज़ुर्ग को भी देखिए, औरत को या आदमी को, उसके बाल आपको काले ही मिलेंगे, ठीक है। सब किसी ने अपने अपने ग्रहों के हिसाब से कर्म करना होता है, लेकिन अपने आप को अंदर से मजबूत बना करके रखने के लिए ही परमात्मा ने ये औषधियाँ धरती पे उतारी हैं। तो इसको औषधि समझे, इसको दवाई समझे, इसको अमृत समझे, और इसका प्रयोग जरूर करते रहे। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल है चमेली के तेल की, अब हम बात करेंगे। चमेली का तेल सुना है बहुत बार उपायों में बताए जाते हैं कि चमेली का तेल यूज़ करें, तो किसको यूज़ करना चाहिए और किसको नहीं, क्या प्लानिटरी इफेक्ट है इसका? वैसे तो बेटा चमेली का अत्र होता है, लेकिन तेल भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। चमेली का तेल बेटा जवानी से संबंधित जितनी भी प्रतिक्रियाएँ क्रियाएँ की जाती हैं उनके लिए सबसे उत्तम है चमेली। ये शुक्र, जैसे नारियल का मैंने बताया आपको शुक्र और शनि मिश्रित, ठीक है, और चमेली प्योर शुक्र होता है। और इसके लिए जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर अभी कोई पढ़ लिख गए हैं, अब उनको बुद्धि आने लगी है, अब वो प्लान तैयार करने लगे हैं, अब वो उन्होंने प्लान तैयार करके एग्जीक्यूट भी करना है, इन लोगों को चमेली के तेल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में तो लगाया नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा महकता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ये इस्तेमाल ज़रूर करें, और ख़ास तौर पे अपने चेहरे पे इस्तेमाल ज़रूर करें। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर लग्न के अंदर अगर शुक्र शुभ हो तो इंसान बहुत अट्रैक्टिव नज़र आता है, उसके अट्रैक्टिव नज़र आने के कारण मेल फीमेल सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसको मदद देने की मन ही मन में सोच भी लेते हैं। इसी प्रकार का फल जो है चमेली का तेल भी देता है अगर हम लगाते हैं, खास तौर पे अपने चेहरे पे लगाते हैं। अब उसका स्किन को तो कोई नुकसान है नहीं क्योंकि वो शुक्र है, ठीक है। तो इसी वजह से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए चमेली के तेल का थोड़ा इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। अपने जोश को बरकरार रखना, अपनी बुद्धि को जागृत रखना। चमेली के तेल की एक और खासियत है कि ये नींद नहीं आने देता, समझिए ना, जोश, ऊर्जा ये सब बना करके रखता है। और ख़ास तौर पे नए ब्याहता जोड़े को, इन दोनों को ही चमेली का तेल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति बनी रहती है और जो टूटने नहीं देता चमेली का तेल। तो गुरुदेव, चमेली का जैसे आपने इत्र की बात की, उसकी क्या खासियत है? सेम वही है। चमेली का इत्र जो होता है बेटा वो जोशवर्धक होता है,
हर वक्त स्मेल आते रहना। आप देखेंगे आप सोए पड़े आदमी के कमरे के अंदर एक परफ्यूम छिड़क दीजिए कोई भी, उसकी नींद भाग जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि सोने से पहले कभी भी परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुगंधित पदार्थों के साथ नहा धो करके जो सोने की आदत होती है कई लोगों को, उनकी नींद नहीं कभी पूरी होती, वो बार बार स्मेल आती है, उससे नींद टूट जाती है। तो लेकिन जिन्होंने अब जैसे नया ब्याहता जोड़ा है उसके मिलन का समय है, वो लोग अगर चमेली का इत्र लगाते हैं तो नीरस बुद्धि नहीं होगी, थकावट वाली बुद्धि नहीं होगी और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी बनी रहेगी और अंदर से जोश बना रहेगा। इसके लिए चमेली का इत्र वो इस्तेमाल किया जाता है। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल है बादाम के तेल के बारे में, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बादाम का तेल कहते हैं सर बालों के लिए बहुत अच्छा है, लड़कियां तो बादाम का तेल लगाओ बाल लंबे करो घने करो, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं, तो बादाम का तेल किस ग्रह से जुड़ा है और किसे इसका यूज करना चाहिए और किसे नहीं? बादाम का तेल ये बृहस्पति शनि इनकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप बादाम का जब भी तेल निकालेंगे आप देखेंगे उसमें पीलापन आता है, ठीक है। वो हमारे अंदर के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए वो बहुत बढ़िया है। उसके अंदर विटामिन ई भी होता है, ठीक है, और विटामिन ई हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए वो भी बहुत शुभ माना जाता है और आँखों की जितनी मतलब की रोशनी को अच्छा रखने के लिए उसके लिए भी शुभ माना जाता है। जिन लोगों को खराटे आते हैं समझिए ना, वो भी ब्लॉकेज होती है एक बृहस्पति की, उसको हटाने के लिए भी नारियल बादाम तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बादाम का तेल ये बहुत ही उत्तम है हमारे खाने के लिए, लेकिन लगाने की अगर हम बात करें तो जो लोग अपने आप को गोरा देखना चाहते हैं, जिनकी चाहत ही यही है कि नहीं मैं गोरा रहूं, उन लोगों को बादाम का तेल कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये आदमी के रंग को या औरत के रंग को थोड़ा गेहुआपन पे ले जाता है, ठीक है। लेकिन जिनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो गोरे दिखे या गेहुए दिखे, तो ऐसे लोग को बादाम का तेल ज़रूर दर ज़रूर लगाना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन मेन इसकी जो खासियत है वो खाने में ही है, और खाने के अंदर अगर हम दूध के अंदर डाल के 2 चम्मच इसके लेते हैं, हमारी नसों को ये फ्लेक्सिबल बनाता है और इनके ऊपर एक परत चढ़ाता है जिसके कारण कि जख्म नहीं पैदा होते। उसका कारण ये कि इसमें बृहस्पति का गुण भी होने के कारण ऑक्सीजन लेवल भी ये मैनेज करके चलता है, और जिन लोगों को खास तौर पे खराटे आते हैं इन लोगों को दूध के अंदर 1-2 चम्मच एक आ चम्मच इनको बादाम का ये तेल डाल करके पीने से भी उनके खराटे भी दूर होते हैं, तो वहाँ पर भी ये बेनिफिट है। और ये दिमाग को बढ़ाता है, दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे हड्डियों के जोड़ों को खास तौर पे अच्छा करता है और अंदर कोई बड़ी बीमारी नहीं पनपने देता बादाम का तेल, तो इसीलिए बादाम का तेल भी धरती पर अमृत की कैटेगरी में ही आता है। गुरुदेव, मेरा आपसे सवाल है आंवले के तेल के बारे में। अब आंवले के तेल के बारे में बताइए, किस ग्रह से जुड़ा है और इसे किसे यूज करना चाहिए और किसे नहीं? आंवले को हम कह सकते हैं लक्ष्मी नारायण। जो भी इंसान लक्ष्मी और नारायण की बराबर कृपा पाना चाहता है उसको आंवले का ऑयल यानी कि तेल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए आंवला अगर हम बात करते हैं तो उसमें विटामिन सी भी है, और विटामिन सी अगर शरीर में ना हो तो विटामिन डी भी नहीं बनता, ये भी साइंस बोलती है। तो बेटा इसका जो तेल है ये हमारे बालों को खास तौर पे बहुत बहुत अच्छा रखता है। आंवला खाना किसी भी रूप में अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को बरकरार रखता है। आदमी औरत का सुख भोगने के लिए और बुढ़ापे में भी सदा जवान रहने के लिए आंवला खाना ये बहुत बहुत शुभ माना जाता है, और ख़ास तौर पे आंवले से तैयार जितनी भी औषधियाँ होती हैं इनको स्किन के ऊपर लगाना औरतों के लिए अमृतमय होता है, क्योंकि आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा बखान है। इसको लक्ष्मी और नारायण क्यों बोला जाता है? आंवले के अंदर एक गुण होता है कि औरतों को अंदर से संपूर्ण करना, उनके पेट को, उनकी माँ बनने की क्षमता को, उनके अंदर वो जो चंचलपन होता है, खुश रहने का जो पन होता है, ये आंवला देता है। तो औरतों के लिए इसलिए आंवला बहुत ज़रूरी है,
और मर्दों को भी जिन्होंने बाहर जाकर के धूप में मेहनतें करनी है, बाहर जाकर के दुनिया को चलाना है, एकदम से स्टिक विचार एकदम से आने और सही डिसीजन लेना, इसके लिए यानी कि ऊर्जावान रहना, इसके लिए आप देखेंगे कि जिनको आलस आ जाता है उनको विचार भी जल्दी नहीं आता, और जिनको आलस नहीं आता उनको विचार भी बहुत जल्दी आते हैं। तो ये वाली क्षमताएं अपने अंदर बढ़ाने के लिए आपको ये आंवले का तेल सर पे लगाना चाहिए और आंवला ज़रूर खाना चाहिए, किसी भी रूप में ये आपके लिए बहुत उत्तम है। लेकिन आंवले की एक खासियत है, अगर आप हर रोज़ भर भर के गिलास आंवले के जूस का पीते हैं तो हो सकता है आपके अंदर बीमारियां भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ें। तो आंवले का प्रयोग एक लिमिटेड मात्रा में करना, यानी कि अगर जूस ले रहे हो तो बहुत थोड़ा सा इतना सा जूस लेना, ये आपके लिए अति शुभ होगा। और इसीलिए तो एक कहावत बनी है, कहते आंवले का खाया और बड़ों का कहा बाद में पता चलता है। तो आंवला जिस दिन आप खाना शुरू करते हैं आप इसके रिजल्ट की उम्मीद आज से 6 महीने बाद कर सकते हैं। और आंवला रेगुलर लेने से आपके शरीर के अंदर की दिक्कतें वो ख़त्म होती है, बुद्धि से संबंधित दिक्कतें वो ख़त्म होती है, आपके डिसीजन से संबंधित दिक्कतें वो ख़त्म होती हैं, और बालों की समस्याएँ भी इससे ख़त्म होती हैं। तो गुरुदेव, आंवला किसी भी फॉर्म में खाया जा सकता है, या जैसे कहते हैं कि आंवले का मुरब्बा बहुत अच्छा होता है, या खट्टा आंवला खाना सही होगा या नहीं? एक कुंडली के अंदर योग आता है जिसे कहते हैं मंगल और शुक्र का। मंगल और शुक्र पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये इंसान को महासमृद्ध, अमीर और हर तरह से कामयाब इंसान बनाता है। तो ये जो आंवले का मुरब्बा है ये मंगल और शुक्र इन दोनों का ही गुण पैदा करता है। और आंवले का मुरब्बा बेटा ये अमृतमय होता है, अमृतमय, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आप देखते हैं कि कभी किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो उसको वो गोंद के लड्डू बना करके खिलाए जाते हैं, उसके अंदर देसी खांड होती है। कोई बीमारी से उठ रहा हो, किसी को ताकत की ज़रूरत हो, किसी को ताकतवर बनाना हो, वही गोंद के लड्डू बना करके खिलाए जाते हैं, उसमें देसी खांड होती है। और यानी कि शरीर को दिमाग को हशपुश करने के लिए मीठे की बहुत ज़रूरत होती है, और एक अच्छा मीठा जो देसी ढंग से तैयार होता है। तो ये जो आंवला भी है, आंवला बेहद गुणकारी है। जब ये मीठे के संपर्क में आता है तो एक तरह का ये एनर्जी का बम बन के हमारे शरीर के अंदर फैलता है, और अपने सारे के सारे गुण हमारे खून के अंदर, हमारी रगों में, हमारे नसों में, हमारी हड्डियों तक पहुँचाने में बहुत गुणकारी हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जम्बोद्वीप में पूरे में कि आंवले का ही नहीं किसी भी चीज़ का मुरब्बे को अमृत माना जाता है। इसीलिए अपनी पुरानी परंपराओं को मत छोड़िए, बचपन से ही बच्चों को मुरब्बे की आदत ज़रूर डालें। और हर तरह का मुरब्बा मिलता है, हरड़ का भी मिलता है, गाजर का भी मिलता है, आंवले का भी, सेब का भी, और बहुत तरह के मुरब्बे मिलते हैं। जो लोग भी मुरब्बों का प्रयोग करते हैं वो लोग सदा सुखी और स्वस्थ रहते हैं, और उनके शारीरिक ताकतें, उनकी मानसिक ताकतें उनका साथ देती हैं। गुणों की खान है आंवला, तो आप भी आंवला का प्रयोग जरूर करें। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल है, भृंगराज तेल आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोग कहते हैं कि सर पे लगाओ कि तो बहुत अच्छे बाल होते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, पर मैंने अभी आपसे मैं बात कर रही थी तो आपने बोला कि ये भृंगराज तो खत्म ही हो गया, तो इसके बारे में बताएं। बेटा भृंगराज तेल, क्योंकि ये आयुर्वेद का पुराना नाम है, भृंगराज इतनी ताकत लिए होता था कि मरे हुए आदमी को भी जीवित कर दे, बालों की तो बात छोड़ दो आप, ठीक है। आयुर्वेद में बहुत तरह के उसके प्रयोग हुआ करते थे, लेकिन अब भृंगराज लगभग ख़त्म है। भृंगराज की खासियत थी कि ये जो हमारे गाँव के अंदर आसपास में जो झोड़ होते थे, तालाब हुआ करते थे, इनके किनारों पे पैदा हुआ करता था, ये कुदरती तौर पे पैदा होता था, ठीक है। तो वो भृंगराज के अंदर बहुत ताकत तासीर हुआ करती थी, और मतलब कि शरीर के अंदर करंट को दौड़ाना और हर चीज़ को जागृत करना, ये इसका खासियत हुआ करती थी भृंगराज की। लेकिन अब ना तो तालाब बचे हैं और ना ही भृंगराज बचा है, ठीक है। अब ये भृंगराज कहाँ से आ रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, मैं इसके बारे में जानता नहीं, तो इसलिए मैं बताऊं क्या, मैं इतना ही जानता हूँ कि भृंगराज वाकई में वो जो शुद्ध क्वालिटी हुआ करती थी
वो अब नहीं मिलती है। तो जो चीज़ मिलती नहीं, मैं उसके गुणों का भी क्या चर्चा करूं और उसके लगाने और खाने की भी क्या चर्चा जी। बिल्कुल, तो खराब क्वालिटी से आपको बचना है और अच्छी क्वालिटी को यूज़ करना है ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। गुरुदेव, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, खाने में कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए जो हमें सेहतमंद बनाए? बेटा, सबसे बड़ी बात, जो ग्रह आपका बहुत खराब है, समझे ना, और आपके अपने कर्म के अनुसार, समझे, उस ग्रह का अगर आप तेल का चयन करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। जैसे अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपको सूरजमुखी के फूलों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका शुक्र खराब है, आपको नारियल तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका शनि खराब है लेकिन कर्म मजदूर वाला है या मैनेजर वाला है, इसके साथ में तय करके आपको काली या पीली सरसों के तेल का चयन करना चाहिए। आपका अगर चंद्रमा खराब है, आपको देसी घी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और आपका अगर मंगल खराब है तो आपको बादाम का तेल सर्वोत्तम है। और अगर आपका शनि खराब है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और अगर आपका बुध खराब है तो ऐसी अवस्था में पीली सरसों का तेल आपके लिए अति उत्तम होगा। तो अपने शुभ और अशुभ ग्रह को जानने के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डाल करके आप उसके अंदर देख सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह अशुभ है, और जो ग्रह अशुभ है उसकी शुभता बनाने के लिए, अंदर उसकी बीमारियां ना पनपे, इसके लिए उसी से संबंधित तेल का इस्तेमाल करें तो आपके लिए अति शुभ होगा। तो अपने ग्रहों के अनुसार आप तेल बरतेंगे तो आपको अपार शुभता मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 999-999-0522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीरी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।